हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो का पार्ट नंबर 2। ओके, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसके अंदर, और उसके आंसर्स भी जो है वो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, वीडियो को देखने के बाद में आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। ओके, तो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो हमारा ये जो वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 है, उसका टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये लाइनें जो है मैंने क्या करी है, हाईलाइट करी, ये तीन लाइन हाईलाइट करी है यहाँ पे, और इसके बाद में ये वाली एक लाइन जो है वो और क्या करिए यहाँ पे हाईलाइट करी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो तीन लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी थी, इसमें से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज पैथोजेंस, क्या होता है। अगर पैथोजन का डेफिनेशन पूछा है तो आपको ये तीन लाइन प्लस ये वाली जो एक लाइन जो है पूरी अपने आंसर में क्या करनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपका दूसरा टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइंस जो है वो यहाँ पे क्या करी है, हाईलाइट करी है। मतलब ये पूरा पैराग्राफ मैंने, मतलब तीन चार लाइनें यहाँ पे हाईलाइट करी है। इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट द वेज बाय विच पैथोजेंस एंटर इन अवर बॉडी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पैथोजेंस जो होते हैं वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं। तो आपको इसके अंदर क्या कर सकते हैं, या तो आपको इसको दो पॉइंट में भी लिखना होगा, दो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि राइट द फाइव वेज, पांच तरीके बताने हैं, तो फिर मैं आपको इसको ब्रेक करके भी यहाँ पे क्या करती हूँ, बता देती हूँ। तो अगर दो पॉइंट पूछ लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये वाला लिख सकते हैं और सेकेंड पॉइंट जो है वो आप क्या करेंगे, ये वाला जो है वो लिखेंगे और अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपको पांच पॉइंट पूछा जाता है तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप ये वाला लिखेंगे। ओके, अब जो सेकंड में, फर्स्ट में हमने एयर वाला लिखा है, सेकंड में हम क्या लिख देंगे, वाटर वाला लिख देंगे, और जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फूड वाला लिख देंगे। ओके, इसके बाद में हम चौथ फोर्थ पॉइंट जो होगा ये वाला डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाला लिख देंगे, और फिफ्थ पॉइंट जो है वो हम क्या करेंगे, कैरिड बाय एन एनिमल जो है वो उससे लिख देंगे। मतलब इन तरीकों से जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ओके, इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, क्या होती है। अगर कम्युनिकेबल डिजीज का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आपको ये वाली हाईलाइट वाली लाइन में से अपना आंसर लिखना है। इसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में मैंने ये वाली लाइन हाईलाइट करी है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसके नाम जो है वो आपको यहाँ से लिखने हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया कम्युनिकेबल डिजीज और उसके एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्या होती है, तो उसका डेफिनेशन जो है वो आपको खुद को बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैन लिखा ना उसके साथ में आप क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, कैन नॉट लिख देंगे, तो वो बन जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का डेफिनेशन। लेकिन अगर उसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं तो उसमें क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कैंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर सपोज आपको कोई बोन लिगामेंट का कोई मतलब डिजीज हो गया है, बोन से रिलेटेड अपनी जो बोन होती है ना उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है, तो वो भी क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर क्या होती है, कंसीडर की जाती है। तो अगर पहले ये समझ में आ गया ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उसके एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में देखिए कि आप यहाँ पे मैंने पूरा जो है वो आपको क्या किया है, हाईलाइट किया है। तो इसके अंदर आपको व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है एंड राइट द एग्जांपल ऐसे सकता है, व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड राइट द एग्जांपल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपको क्या करना है, एक कॉलम बना के कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बीच में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंसेस लिखना पड़ेगा। तो आप जो फर्स्ट पॉइंट जो होता है ना, हमेशा डिफरेंस में जो होते हैं वो हमेशा उसकी डेफिनेशन लिखने की, ठीक है ना, और दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे, उसके एग्जाम्पल जो है वो क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो है, ये पॉइंट जो है वो मतलब मैंने इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मैंने यहाँ पे ये वाली लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ, मतलब एक सेकेंड, जस्ट मिनट, हाउ इज इन्फेक्शन कोज्ड, मतलब कोई भी जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे मतलब कोज्ड होता है, ठीक है ना। तो अगर उसका आंसर पूछा जाए तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ इज कोल्ड इन्फेक्शन इज स्प्रेड, ठीक है। तो मतलब जो कोल्ड का इन्फेक्शन अगर किसी को हो रहा है और वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो वो भी आप, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कोल्ड का जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे फैलता है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है वो आप क्या लिखेंगे। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन जो है आप देखेंगे कि एक बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें अगर आप क्या करें, हाउ डू यू
प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उससे अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको मतलब उसका आंसर जो है वो आपको आपकी बुक के अंदर ही क्या है यहाँ पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि मतलब कम्युनिकेबल डिजीज से आपको प्रिवेंट करना है, बचना है, तो उसके मतलब उसका अगर आंसर लिखना है तो ये आंसर जो है वो आपको क्या किया है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। और इसी के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, हाउ डू यू इस मतलब मतलब जैसे मैंने बताया ना कि इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है, तो उसका आंसर ये है। और अगर हमें किसी इन्फेक्शन से बचना है, प्रिवेंट होना है, तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। शॉर्ट इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ से लेके मैंने आप देखेंगे यहाँ तक जो है वो क्या करिए, डेफिनेशन जो है वो क्या करिए, हाईलाइट करिए यहाँ तक, ठीक है ना। ये माइक्रोब्स तक है ना, पूरा नहीं, हाउस फ्लाई वाला नहीं करना अंडरलाइन। लेकिन इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज कैरियर, क्या होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको ये पूछा जा सकता है यहाँ पे, अब ये जो मेरी हाईलाइट लाइन है इसके अंदर आपको एक तो कैरियर का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, एक दूसरा पूछा जा सकता है कि हु इज द कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनके कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसका आंसर भी जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कुछ इंसेक्ट है और एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, मतलब जो मतलब ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उसके कैरियर की जैसे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन की गिव द एग्जाम्पल ऑफ थ्री कैरियर्स, तो पहला मतलब जो तीन कैरियर बताने हैं जिसकी वजह से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो पहला है हाउस फ्लाई हो सकता है, ठीक है, और जो दूसरा जो है वो मॉस्किटो हो सकता है, ठीक है ना, और दूसरा मॉस्किटो हो गया, और तीसरा जो है इसके अंदर भी जो है वो मॉस्किटो का ही नाम दिया गया है, ठीक है ना। ये जो है ना, पहला तो वो हाउस फ्लाई हो गया, दूसरा ये फीमेल एडिस मॉस्किटो हो गया, और ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो क्या हो गए, थ्री कैरियर हो गए जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो तीनों कैरियर के नाम मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या किया जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या कर देती हूँ, लाइंस जो है वो क्या करा देती हूँ, हाईलाइट करा देती हूँ। तो इसमें बताना है आपको कि हाउ कैन अ हाउस फ्लाई ट्रांसमिट डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, मतलब जो हाउस फ्लाई होती है उसकी वजह से कैसे डिजीज जो होती है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। तो उसका ये जो पूरा डिटेल, मतलब ये जो मैंने लाइन हाईलाइट करी कि मतलब हाउस फ्लाई जो होती है वो कैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर कैसे लेके जाती है और हम कैसे बीमार होते हैं, उसका आंसर आपको है यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये लाइन जो है वो क्या करी है, हाईलाइट करिए। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू कंट्रोल द, मतलब जैसे हाउस फ्लाई से आप डिजीज फैल रही है, ठीक है, मॉस्किटो से डिजीज फैल रही है, ठीक है, लेकिन आपको व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, कौन कौन से प्रिवेंशन, मतलब आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको अगर वो प्रिकॉशन पूछेंगे ना कि जिसकी वजह से पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर ना करे, तो उसके लिए अगर आपको आंसर पूछा जाता है तो आपको ये वाला आंसर जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये मैंने लाइन्स जो है वो हाईलाइट करी है, तो इसके अंदर ये पूछा जाएगा कि विच जस्ट अ मिनट, अब ये जो मैंने यहाँ पे लाइन हाईलाइट करी है इसके अंदर ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द कैरियर ऑफ व्हाट इज द कैरियर, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक हाईलाइट होगा। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है, तो मतलब कौन ऐसा मतलब है जो मलेरिया के पैरासाइट जो होती है उसको हमारी बॉडी के अंदर लेके जाता है, तो उसका नाम जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो, इसका आंसर लिखना है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। इसमें से आपको क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है। इसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मतलब जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करी है, कुछ लाइन्स जो है वो हाईलाइट करी है। तो इसके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है, मतलब जो डेंगू का जो वायरस होता है उसको हमारी बॉडी के अंदर कौन लेके जाता है, तो वो होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का ध्यान रखना है जो मलेरिया को फैलाता है, और इसके बाद फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, डेंगू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको पिक्चर ध्यान रखनी है, ये जो आपको एग्जाम में ये फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं ये फोटो किसका है, ये पिक्स किसका है, तो आपको पता होना चाहिए ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का पिक्चर है, ओके। इसके बाद में आपको
यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ ही है एक क्वेश्चन कि व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग द, ये वाला है कि मतलब जैसे हमें हमारे पास में कहीं पे भी पानी जो है उसको कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए, उसका आंसर जो है यहाँ पे जो है वो आपको क्या किया है दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पूछा जाता है तो वो क्या करेंगे आप जो है ये वाली लाइन्स जो है इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे आंसर में अपनी ये वाली लाइन्स जो है वो लिखेंगे। ओके, अब मैंने आपको बताया था ना कि व्हाट शुड मतलब आपको जैसे ये जो कैरियर्स होते हैं इनकी वजह से व्हाट शुड बी मतलब व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, तो आपको सबसे पहले जो है फर्स्ट तो ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो है वो आपको ये वाला लिखना है कि व्हाट शुड व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, तो उसमें पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे और दूसरा पॉइंट जो है वो आप क्या करेंगे ये वाला इसके अंदर क्या करेंगे मेंशन करेंगे, ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट ये हो गया, और जो थर्ड पॉइंट जो हो गया वो आप क्या करेंगे इसके अंदर ये वाला जो है वो क्या करेंगे ये वाला, ठीक है ना, ये थर्ड पॉइंट जो है वो ये वाला क्या करेंगे उसके अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। और आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मतलब यही बता देना कि पानी क्यों नहीं इकट्ठा किया जाना चाहिए, मतलब आसपास अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएंगे मॉस्किटो के ब्रीड होने की जो होगी होगी क्या होगी कैपेसिटी मतलब जो होगी वो बढ़ जाएगी, और अगर मॉस्किटो बढ़ जाएंगे तो उससे क्या हो जाएंगे डेंगू फैल सकता है, सॉरी डेंगू क्या मलेरिया फैल सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपको क्या करना है डेंगू फैल सकता है प्लस मलेरिया भी जो है वो फैल सकता है क्योंकि दोनों मॉस्किटो से ही फैलते हैं ना ये चीजें, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए। अब ये जो टेबल है वो बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या बताई गई है इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या आपको करने हैं। तो सबसे पहले इस टेबल के अंदर आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो नेम द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया वाली डिजीज में आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। ये तीन डिजीज हो गए, टाइफाइड हो गया, और तीन डिजीज के नाम आपको जो है वो क्या करने हैं बैक्टीरिया से लिखने हैं। अब आपको पूछे कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, तो उसके अंदर क्या करना है आपको ये लिखना, फर्स्ट डिजीज ये लिखेंगे, सेकंड चिकन पॉक्स वाले लिखेंगे, और जो थर्ड जो है वो ये वाले लिखेंगे। ओके, वो वायरस से और कौन सी फैलती है, एक ये वाली फैलती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, वायरस से ये वाली डिजीज का नाम आप ये लिखने वाले हैं। तो नेम द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। इसके बाद में आपको नेम द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज फैलती है उस डिजीज का जो है वो नाम जो है वो आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। ये तो हो गई मतलब इस तरीके से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज फैल रही है, लेकिन अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पे भी आपको क्या आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय एयर, तो इसके अंदर आपको ये जो है वो पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। एयर एयर वाले जो आंसर है ना वो जो आपको क्या करने पड़ेंगे उसके अंदर लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये वाली एयर वाली, ठीक है। इसके बाद में जो पोलियो है वो भी क्या होता है एयर से फैलता है। ओके, इसके बाद में ये हो गया, ठीक है। अब एयर से जो डिजीज फैल रही है चार डिजीज के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि अगर आपको सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय वाटर, तो अगर वाटर में पूछा जा सकता है तो आपको पोलियो का नाम उसमें भी आएगा। ओके, इसके बाद में कोलरा का नाम भी जो है उसमें आपको लिखना पड़ेगा, टाइफाइड का नाम जो है वो भी वाटर से फैल रहा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, हिपेटाइटिस जो है वो, तो अगर वाटर से रिलेटेड आपको डिजीज पूछी जाती है कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय वाटर, ठीक है, तो उसके अंदर आपको चार डिजीज जो है वो क्या करनी पड़ेगी इसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। अब आपको एक डिजीज है नेम द डिजीज कॉज्ड बाय कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट वाले में आप देखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही डिजीज का नाम दिया गया है चिकन पॉक्स, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है और आप इसके कॉन्टेक्ट में आ गए तो उससे क्या होगा कि आपको भी क्या हो जाएगी वो बीमारी जो है फैल जाएगी, चिकन पॉक्स आपको भी हो जाएगा। इसके अलावा आपको नेम द डिजीज कॉज्ड बाय फूड, तो इसके अंदर एक ही डिजीज है जो क्या होती है फूड की वजह से फैलती है, तो वो कॉलरा का आपको ध्यान रखना है, कॉलरा होता है उसके अंदर, ठीक है। अब एक है कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, तो मॉस्किटो से कौन सी डिजीज फैलती है जो मलेरिया है वो फैलती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पे भी आपको क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर अब एक टेबल इसके अंदर एक और टॉपिक दिया गया है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन यू हैव ट्यूबरक्लोसिस मीजल चिकन पॉक्स पोलियो, अगर आपको ये चारों बीमारी हो रही है तो आपको कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन यू हैव कॉलरा टाइफाइड, तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको ये वाला कॉलरा हो रहा है टाइफाइड हो रहा है आपको प्रिकॉशन लेने हैं तो ये वाला आंसर जो है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन यू
व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन यू हैव हेपेटाइटिस ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला आंसर जो है वो अपने इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। एंड चौथा आपको पूछा जाएगा कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन यू हैव मलेरिया, तो आपको ये वाले प्रिकॉशंस जो है वो अपने आंसर में क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो टेबल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से क्या पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एंड लॉन्ग आंसर्स। व्हाट प्रिकॉशन वाले जो आंसर है, जितने भी ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिकॉशंस है, ये आपको 1 या 2 मार्क के अंदर क्या पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। ओके, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है, हु एंड वेन डिस्कवर्ड, ठीक है, मतलब एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है उसको किसने और मतलब कब जो है वो डिस्कवर्ड किया है। ओके, तो इसमें ये जो साइंटिस्ट का नाम है और ये जो ईयर है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये जो बैक्टीरिया, मतलब ये डिजीज जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो इस बैक्टीरिया का नाम जो है वो आपको क्या ध्यान रखना है, वो बहुत ध्यान रखना है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एक तो आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है जिसने एंथ्रेक्स डिजीज को डिस्कवर किया है, ईयर आपको ध्यान रखना है, और ये जो बैक्टीरिया का जो है नाम जो है वो आपको क्या करना है, डिजीज मतलब करना है। तो हु डिस्कवर्ड एंथ्रेक्स डिजीज, हु एंड वेन करके भी आ सकता है क्वेश्चन, हु एंड वेन एंथ्रेक्स डिजीज डिस्कवर्ड एंड नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज्ड एंथ्रेक्स डिजीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि मैंने ये लाइन्स जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वॉट इज एंथ्रेक्स, क्या होता है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स एक बीमारी का नाम है और ये तो है ही है। इसके बाद में आपको ये पूछा जा सकता है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज्ड एंथ्रेक्स, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है बैक्टीरियम, लेकिन उस बैक्टीरियम का जो पूरा नाम जो दिया है ना, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स होता है, उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वो आपको क्या कर लेना है, बाय हर्ट जो है वो लर्न कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या करी है, लाइन हाईलाइट करी है। इसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, ठीक है। तो उसका उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो नाम जो है वो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट, मैं जहां पे घुमा रही हूँ ना उस पॉइंट पे आपको ध्यान देना होता है, ये जो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम आपको बताना है जो फूट मतलब जो कैटल के अंदर क्या करता है, फूट और माउथ डिजीज को क्या करता है, कॉज करता है। ओके, अब ये जो एंथ्रेक्स वाली जो बीमारी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है, तो आपको एक ऐसी नेम दाम डिजीज विच इज मतलब जो किसके अंदर होती है, ह्यूमंस के अंदर भी होती है, मतलब जो हमारे में भी होती है और कैटल मतलब जानवरों के अंदर भी होती है, तो उस बीमारी का नाम जो है वो इसके अंदर दिया गया है, उसका नाम है एंथ्रेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाय हार्ट लर्न करना है इसको। इसके बाद में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट जो है वो आपको करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी जो ये टेबल है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्लांट डिजीज दी गई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो आपको ये इस मैंने सबसे पहले जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है वो पॉइंट जो है वो लर्न किया हुआ है। इसी में से सबसे पहले क्वेश्चन बता देती हूँ, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेम द प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो मतलब बैक्टीरिया से जो डिजीज कॉज्ड होती है प्लांट के अंदर, तो उस डिजीज का नाम लर्न करना है, और मतलब ठीक है ना। और एक इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि नेम द डिजीज इन प्लांट विच इज कोस्ट विच इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर, ठीक है। मतलब आपको मतलब कोई भी प्लांट के अंदर डिजीज हो रही है, लेकिन उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, तो वो प्लांट की डिजीज का नाम जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये पूरी लाइन में से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट डिजीज, ठीक है, नेम द प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई, नेम द प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय एयर सीड। इस तरीके से 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तो उसका आंसर है कुल मिलाकर आपको क्या करना है, ये जो प्लांट डिजीज है ना इसके ऊपर क्या करना है, मतलब ये जो पूरी लाइन है उसी को बाय हार्ट लर्न कर लेना है, इस लाइन को भी पूरा बाय हार्ट क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। इसमें से 3रा क्वेश्चन बनेगा नेम द प्लांट डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, और नेम द डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, ठीक है। तो प्लांट डिजीज का नाम लिखना है ना, जो वायरस से होती है, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट है, तो उस डिजीज का नाम जो आपको लर्न करना है। कुल मिला के आपको ये जो प्लांट डिजीज है ना इसका नाम लर्न करना है, ये नाम लर्न करना है, और प्लस ये जो है वो आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग. ओके, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आएगा. तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन, मतलब जो फूड होता है वो पॉइजन कब बन जाता है. तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से लेके, ये लाइन तो हाईलाइट करी है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना. तो ये लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ तक क्या है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है. तो ये जो है ना आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है कि फूड जो है वो कैसे पॉइजन होता है, तो इसको आपको ये लाइन तो आपको लिखनी है, प्लस इसके साथ साथ में आपको ये क्या करना है, यहाँ तक जो है वो क्या करना है, लिखना है. इसके बाद में दूसरा जो है इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके बाद में मैंने ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करी कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फूड स्पॉइल, मतलब कोई भी फूड जो है वो खराब नहीं हो तो उसको आपको क्या प्रिकॉशन जो है वो यूज में लेने पड़ेंगे. तो इसके लिए जो है वो मैंने आपको ये वाली लाइंस जो है वो क्या करी, मतलब फूड को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा. ओके, ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो जो है वो जरूर पसंद आया होगा. तो प्लीज आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करेंगे और उसको शेयर भी जरूर करेंगे. ओके, और अगर आपको कोई भी, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.